प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी है। पुतिन पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। इस फोन पर बातचीत क्या हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन पर जीत की बधाई दी है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारी मतों से जीत कर आए हैं। 88% के आसपास उनको वोट मिला और उनके लिए एक बड़ी जीत है। 2030 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। इस जीत के बाद मई में शपथ होगा नए कार्यकाल के तौर पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर उनको जीत की बधाई दी है। साथ ही साथ दोनों ही नेताओं ने आपसी समन्वय, आपसी सहयोग को और ज़्यादा मजबूती देने के मुद्दे पर भी बातचीत की। जिस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, ऊर्जा के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में जो आपसी सहयोग है वो बढ़ा है। भारत एक बहुत बड़ा आयातक बनकर उभरा है प्रतिबंधों के बाद, रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बाद, और तकरीबन 40% जो रूसी तेल है वो भारत खरीद रहा है। हालांकि पश्चिम के देश जो हैं इस बात को लेकर भारत की आलोचना करते रहे, लेकिन भारत की अपनी जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत है, जो अपनी जनता के लिए जो उसे मुनासिब लग रहा है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ व्यापार बल्कि रणनीतिक साझेदारी के तौर पर भी दोनों ही देश जो हैं वो काफ़ी करीब रहे हैं, और इस संबंध को और आगे बढ़ाने की दिशा में भी दोनों देश के नेताओं के बीच जो है वो बातचीत हुई है। जो यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है उस मुद्दे पर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। क्रेमलिन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ जो ब्रिक्स है उस फॉर्मेट के तहत दोनों देश जो आपसी सहयोग कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय मंच के जरिए भी, उसको भी आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। और साथ ही साथ राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की जो शुभकामना है वो भी दी है। तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत की, संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, और आपसी जो रणनीतिक साझेदारी है, जो आपसी सहयोग है, व्यापार है, उसको बढ़ाने पर जोर दिया। और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामना जो है वो भी दी है। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।